बिजली गुल हुई और फिर जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां असलाना गांव में बिजली गुल होने से बड़ी बात हो गई। शादी में फेरी के समय ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पिछले 5 मई को असलाना गांव में 2 बहनों की शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन इन फेरों के वक्त बिजली चली गई और दुल्हनें बदल गईं। शादी के बाद जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो रस्म रिवाज के साथ उसने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया और देखकर हैरान रह गया। वो उसकी दुल्हन नहीं, कोई और थी। दूल्हे ने ये बात घर में बताई, जिसके बाद बवाल मच गया। लेकिन जब हकीकत पता चली तो बाद में समझौता हुआ और फिर से फेरे करवाए गए। जी, यहाँ पर ST परिवार में रमेश जी करके हैं, उनके यहाँ शादी का आयोजन था और शाम को बारात आई थी और बारात में पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार अंदर घर के अंदर माई माता पूजन जो होता है वो भी करना होता है फेरों के पहले। तो ये वो पूजन कर रहे थे, उसी दौरान पूजन के लिए जब दूल्हा दुल्हन को अंदर ले गए तो लाइट चली गई थी, तो अंधेरे के कारण दुल्हन इधर से उधर इनकी अदला बदली हो गई थी। जब पूजन करके बाहर आने लगे तब लाइट आ गई थी, तब साथ वाले और इनके जो भी थे पारिवारिक लोग उन्होंने उनको देखा कि ये दुल्हन तो इस दूल्हे के साथ है, तो वो लाइट आने के कारण वापस उन्होंने जो सही दुल्हन थी उसको सही दूल्हे के साथ में बिठाया और उसके बाद फेरे संपन्न हुआ है। शादी में बिजली ने करामात की और दुल्हन बदल गई। बताया जा रहा है कि गणेश और भोला नामक शख्स की शादी 2 बहनों से तय हुई थी। दोनों की बारात धूमधाम से गांव पहुंची। गांव में एक ही मंडप में दोनों बहनें गणेश और भोला से ब्याही जानी थी, लेकिन अचानक बिजली गुल हो गई और इस कारण दुल्हनें बदल गईं। दरअसल दोनों दुल्हन घूंघट में थी और दोनों की ड्रेस भी एक जैसी थी, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। भाई साहब, 5 तारीख को यहाँ बारात आई थी, उसमें क्या है रात में माता पूजन होती है, उसमें ले गए थे अंदर वो लाइट चली गई, तो उसमें क्या इधर से उधर भेट गई थी लाड़ी अंधेरे में, जैसे बाहर बाहर निकली और फिर लाइट आ गई थी तो पता चला कि यार ये लाड़ी इधर की इधर हो गई है अपनी। वापस फिर इन्होंने इधर से इधर बिठा के फेरे वेरे तो जहाँ जिसके जहाँ पे होने थे वहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लाड़ी के फेरे ही दूसरे के साथ हो गए, ऐसा नहीं हुआ।